पुट्टपर्ती में एक दिन अचानक थोड़े से भक्तों से बाबा ने पूछा, तुम्हें वृंदावन बिहारी कृष्ण का वेणुनाथ सुनना है? इस सौभाग्य को कौन नहीं चाहेगा। सभी ने उत्सुक होकर बाबा को घेर लिया। आओ अपने कान मेरे वक्ष पर रखो, बाबा बोले। कमलापुरम राम राजू की आंखों में इस घटना के स्मरण से आनंद के अश्रु उमड़ आते हैं। यमुना प्रवाह को रोकने वाला नाद प्रवाह सबने सुना। इसी प्रकार एक दिन अचानक बाबा बोले, वो देखो शिरडी साईं बाबा आ रहे हैं, ध्यान से देखो। भक्तगण तथा ईश्वर अम्मा ने देहरी पार कर अंदर आती खड़ाऊ की ध्वनि सुनी। ईश्वर अम्मा ने बताया कि वो ध्वनि इतनी स्पष्ट थी कि मैंने कौन है वह खड़ाऊ के साथ ही घर में आ रहा है, इस प्रकार जोरों से डांटते हुए पूछा। पेद वेंकम्मा राजू ने अपने अनुभवों का वर्णन किया है, उनमें से एक का विवरण उचित लगता है। एक दिन संध्या समय पेनुकोंडा से कुछ लोग पुट्टपर्ती आए, तब बाबा पुराने मकान के एक छोटे भजन गृह में थे। आए हुए लोगों में से पेनुकोंडा के एक वकील श्री कृष्णमाचारी भी थे। उनको पुट्टपर्ती छोड़े अनेक वर्ष बीत चुके थे, फिर भी अपने स्वग्राम के प्रति उन्हें विशेष अभिमान था। वे सब कर्णम सुबम्मा के घर में ही ठहरे थे। मैं भी उनसे मिलने वहां पहुंचा। फलाहार कर सभी बरामदे में बैठे गप्पे लड़ा रहे थे। मुझे देखते ही उन्होंने पूछा, क्यों जी तुम्हारे लड़के की क्या महिमा है, उसके चमत्कारों का मर्म क्या है, उसकी धूमधाम का क्या अर्थ। मैंने उनसे ही प्रतिप्रश्न किए। इन बातों का नखशिक मैं क्या जानूं, शास्त्रादि पढ़े हुए लोगों को ही ज्ञान होना चाहिए, मेरे जैसे व्यक्ति किस प्रकार जान सकते हैं। वकील साहब मुझ पर क्रोधित हुए, ये सब दंभाचार ही है, तुम भी इस पाखंड लीला में मिले हुए हो। लड़के को समझाकर सुधारने की अपेक्षा उसको शिखर पर चढ़ाकर धूप दीप अर्पण कर गांव की आंखों में धूल झोंक क्यों द्रोह करते हो, कहकर मुझ पर बरस पड़े। मुझे भी क्रोध आया। सबके मुंह से बुरा भला ही सुनने की स्थिति इसने हमें प्राप्त करवाई है। स्वतः ही अपने भाग्य पर रोते हुए मैं उस भजन गृह में गया। इसी क्षण उनको तथा मुझे भी ये कपट नहीं है, छल नहीं है, इसका प्रमाण दो। गांव वाले जब तुम्हारी निंदा करते हैं तो मैं चुप नहीं रह सकता, इस प्रकार मैं गरज पड़ा। तब बाबा मंद मंद मुस्काए, शांति से उत्तर देते हुए कहा, यह कौन सी बड़ी बात है, उन सबको यहां ले आओ। मेरा क्रोध वहीं पिघल गया। अच्छा, यूं कहकर मैं कर्णम के घर लौटा। सुबम्मा को संबोधित कर बाबा बोले, आपको शिरडी के साईं बाबा की समाधि दिखाता हूं, इधर आइए। उसे अपने पुराने घर में हाथ पकड़कर ले गए। आंखें मूंद कर ही चलिए, मेरी सूचना के पश्चात ही आंखें खोलिएगा, सुबम्मा को आज्ञा दी। दो तीन देहरियों को पार कर घर के दाईं ओर एक कमरे के किवाड़ के पास खड़े होकर कहा, सामने देखिए, वहां सुबम्मा को शिरडी समाधि, उस पर चढ़ाई हुई पुष्प मालाएं, पास ही जलती अगरबत्ती, सुगंधित धूप, एक कोने में जप करता एक भक्त स्पष्ट दिखाई दिया। कुछ समय के लिए वे आनंद से स्तब्ध रह गईं। बाबा ने उनको, उस पार देखो, दूर से हनुमान जी का मंदिर दिखता है, ये देखो इस ओर वह वृक्ष, ये कहते शिरडी के सब प्रमुख स्थल दिखाए, समाधि के दर्शन करवाए, वह उसके आसपास के सभी दृश्यों के दर्शन करवाए। वहां से निकलते ही बाबा ने वकील कृष्णमाचारी को बुलाया और उनको भी उसी प्रकार अंदर ले जाकर उस महान सौभाग्य को प्राप्त करवाया। संदेहग्रस्त उस समूह के सभी लोगों को दर्शन कराकर अनुग्रहित किया। उन सबको अतीव आश्चर्य
और आनंद हुआ। अंत में बाबा ने मुझे भी बुलाया। मैं भी आंखें मूंद कमरा पार करते हुए अंदर पहुंचा, और जब तक आंखें थक न गई, हृदय भर न गया, उस दृश्य का आस्वादन लेता रहा। मैं जब बाहर आया तो सब लोगों ने अपने अनुभवों का वर्णन कर अपने बुरे शब्दों के लिए क्षमा मांगी और कहा, तुम्हारे लड़के की महाशक्ति कल्पनातीत है। मैंने भी उस दिन से कहना आरंभ किया, बाबा के विषय में कोई टीका ना करे, कोई युक्ति ना करे, उनके काम में कोई बाधा न डाले, भगवान समझकर ही उनकी आराधना करो। उन्हें कई वर्षों तक मेरा लड़का कहने का मुझे सौभाग्य मिला, इसी से मुझे संतुष्ट होना चाहिए। अपने अनेक जन्मों के फल का सुकृत ही माना मैंने अपने इस सौभाग्य को। इस प्रकार विस्तार पूर्वक विंकम्मा राजू ने उस प्रकरण का विवरण प्रस्तुत किया है। उस छोटी आयु में भी बाबा अपने पास आए लोगों को सुधारने के लिए अनेक उपदेश दिया करते थे। उनके अवतार का उद्देश्य मानव के उद्धार के लिए उत्तम आदर्श मार्ग का बोध कराना ही है। वे 15 वर्ष के थे तब की एक घटना की व्याख्या करें तो ये बात और भी स्पष्ट हो जाएगी। उस समय तक सत्यनारायण ने सत्य साईं के रूप में परिवर्तित होकर लोगों के हृदयों में सदा के लिए स्थान बना लिया था। बाबा पुटपर्ती आ चुके थे। उनकी लीला और महिमा को देखने और उसका आनंद उठाने के लिए भक्तों का समूह प्रतिदिन जमता था। उन्हीं दिनों में बुक्कपट्टनम के दिगंबर स्वामी नामक एक यति भी वहां पहुंचे। उनके दोनों पैर कुंठित थे। उन्हें डोली में बैठाकर उनके नौकर सब स्थानों पर उन्हें ले जाते थे। वो जर्जर वृद्ध धोती कुर्ता कुछ भी न पहन नग्न ही रहते थे। ऊपर से उनका मौन व्रत, बस फिर क्या था। जनता उनको परम योगी मान भक्ति भाव से उनकी पूजा करने लगी। उस समय ये सोचकर कुछ भक्तों ने उन्हें कर्णम सुबम्मा के यहां बरामदे में बैठा दिया कि यश प्राप्त किए बाल साई तथा उस वयोवृद्ध योगी के मिलाप से कैसी चमत्कार पूर्ण घटना घटेगी, क्या ये दिगंबर स्वामी अपने दिव्य चक्षु द्वारा पहचान लेंगे कि ये बालक महात्मा तथा भगवत अंश ही है। कुछ समय पश्चात अपनी मीठी मुस्कान बिखेरते हुए उन योगी के पास आए अपने बाल साईं। बाबा ने उनको एक तौलिया दिया, थोड़ा उपदेश भी दिया दिगंबर स्वामी को। तौलिया उस वृद्ध मौन व्रतधारी योगी को बालक का उपदेश कितना विचित्र। अभी तक किसी ने उन्हें न दी हुई दो वस्तु बालसाई ने उन्हें दी, देह पोषण के लिए तौलिया और मान पोषण के लिए बोधामृत यानी उपदेश। बालसाई ने उस योगी से कहा कि आप इस प्रकार दिगंबर हो, मौन धारण कर परम वैरागी प्रतीत होते हैं, फिर आप किस कारण जन समुदाय की अपेक्षा कर गांव गांव घूमते हैं, अपना भार वहन करने के कष्ट इन लोगों को क्यों देते हैं, सबका त्याग कर किसी अरण्य की गुफा में वास करना ही वैराग्य कहलाता है, वहां अपने सब लोगों को भुलाकर तपस्या कीजिए। यदि जनता के बीच ही रहना है और शिष्यों को जमा कर उनसे सेवा लेनी है तो फिर शिष्टाचार के अनुसार वस्त्र धारण कर व उनके साथ बातें करने की अपेक्षा अपने हाथों से संकेत कर उन्हें समझने का कष्ट शिष्यों को क्यों देते हो। अरे हां, अरण्य में बैठकर तपस्या करें तो भोजन कहां से मिलेगा, ये भय है शायद आपको। इस भय की आवश्यकता नहीं, आप कहीं भी रहें मैं आपके आहार की व्यवस्था करूंगा, आपके योगक्षेम को मैं सुरक्षित रखूंगा, कीर्ति प्रतिष्ठा शिष्य मंडली की आशाओं की बलि बन व्यर्थ ही इस वेश को धारण करने से क्या लाभ। यही था उनका उपदेश। दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में भी ये कहा गया है ना, गुरु को देखें तो केवल एक बालक, शिष्य को देखें तो एक वयोवृद्ध, ये कैसा वैचित्र्य। विचार करें यह कितनी महत्वपूर्ण चेतावनी है।
आश्वासन कितना अर्थगर्भित। तुम कहीं भी रहो, तुम्हारा योगक्षेम मेरे हाथ में है। प्रभुत्व सूचक ये शब्द भगवत अवतार मात्र ही उच्चारण कर सकता है। इस मर्म को अब जान ही गए होंगे। केवल 15 वर्ष की आयु में दिया गया ये उपदेश अपने 32वें वर्ष में बाबा ने फिर दोहराया। लगभग 3 वर्ष पूर्व स्वामी सच्चिदानंद नामक 70 वर्षीय योगी ने बाबा के दर्शन पाए। बाबा से हुए अपने संभाषण का विवरण करते समय उनके नेत्रों में संतोष के आंसू दिखाई दिए। बाबा ने उन्हें उपदेश दिया था, ये क्या, योगाभ्यास से प्राप्त फल को प्राप्त करने के पूर्व ही आप इन अनावश्यक सैकड़ों झंझटों में डूबकर क्यों त्रस्त हो रहे हैं? आप इसे लोक कल्याणार्थ करते हैं क्यों? दंडकारण्य की किसी भी अंधेरी गुफा में बैठकर तपश्चर्या करने पर भी आपसे निकलती शुभकामनाएं और विचार तरंगे जगत कल्याण कारक होंगी, क्या इसका आपको विस्मरण हो गया है? अयोग्य, अयोग्य। आप अपनी अपूर्व योग साधना को ही हिमालय पर कहीं बैठकर बढ़ाइए। आप कहीं भी रहें, आपका आहार आपको प्राप्त होगा, मैं आपका रक्षण करूंगा। निर्भय होकर अपने योगाभ्यास को आगे बढ़ाइए। बाबा ने आशीर्वाद दिया। ये थी अवतार पुरुष की अधिकार पूर्ण वाणी। सब देशों के सब मतों एवं धर्मों के साधक इस धैर्य व उत्साह देने वाली वाणी को सुन सकते हैं। ऐसी है बाबा की वाणी। जय साईं राम।